नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपके सामने 4 सितंबर 2020 की डेली करंट अफेयर प्रश्न लेकर के गाइज हाजिर हूँ। आप देख सकते हो 4 सितंबर 2020 के प्रश्न उत्तर। तो गाइज आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, भारत की अडानी ग्रीन कंपनी को क्षमता के मामले में विश्व की ऊर्जा कंपनी की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है पहला स्थान। भारत की अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व की नंबर वन सौर ऊर्जा कंपनी बन गई है। वैश्विक सौर कंपनियों की नवीनतम रैंकिंग में अडानी ग्रीन क्षमता के मामले में विश्व में पहले स्थान पर रही है। प्रश्न नंबर टू देखिए गाइज, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में किस स्थान पर जगह बनाई है? तो गाइज हमारा राइट आंसर है थर्ड, 48वें स्थान पर। जी हाँ गाइज, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत ने पहली बार टॉप 50 देशों में से 48वें स्थान पर है जो जगह बनाई है। इस वैश्विक नवाचार सूचकांक को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इंसिड बिजनेस स्कूल द्वारा जारी और तैयार किया गया है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है थर्ड, 48वें स्थान पर। प्रश्न नंबर थ्री देखिए गाइज, भारत के बाद किस देश ने हाल ही में चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? गाइज हमारे पास में 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ईरान, सेकंड थाईलैंड, थर्ड इराक, फोर्थ जापान। तो गाइज हमारा राइट आंसर है सेकंड थाईलैंड। भारत के द्वारा हाल ही में पबजी समेत चीन के 118 मोबाइल ऐप प्रतिबंध लगाए जाने के बाद हाल ही में थाईलैंड ने भी चीन से 2 पनडुब्बियों को खरीदे जाने की योजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। थाईलैंड ने चीन के साथ जून 2015 में पनडुब्बे की खरीद को लेकर सौदेबाजी शुरू की थी। तो गाइस हमारा राइट आंसर है सेकंड थाईलैंड। प्रश्न नंबर फोर देखिए गाइस, भारत में किस आईआईटी संस्थान ने देश का पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो गाइस हमारा राइट आंसर है फर्स्ट आईआईटी दिल्ली। प्रश्न नंबर फाइव देखिए गाइज, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? गाइज हमारे पास में 4 ऑप्शन है, फर्स्ट 2 यूनिवर्सिटी, सेकंड 5 यूनिवर्सिटी, थर्ड 7 यूनिवर्सिटी, फोर्थ 15 यूनिवर्सिटी। तो गाइज हमारा राइट आंसर है फर्स्ट 2 यूनिवर्सिटी। ब्रिटेन की टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में भारत की 2 यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। इस रैंकिंग में देश की कुल 63 यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाई लिया था। इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले 2 इंस्टीट्यूट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़ शामिल है। तो गाइस हमारा राइट आंसर है फर्स्ट 2 यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 6 देखिए गाइस, भारत के किस राज्य की पर्वतरोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है? तो गाइस वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा राज्य की पर्वतरोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है। इस अवार्ड को 29 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से दिया गया है। अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। वह पहली महिला पर्वतरोही है जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई पूरी की है। वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 4 बार में से 3 बार है जो सफल रही है। तो गाइस इसमें हमारा राइट आंसर है थर्ड, हरियाणा राज्य। प्रश्न नंबर 7 देखिए गाइज, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव अब सीओ नियुक्त किया गया है, वह इस पद को संभालने वाले कौन से व्यक्ति होंगे? तो गाइज में हमारा राइट आंसर है पहले, केंद्रीय कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2019 को रेलवे के संगठनात्मक पुनर्गठन को मंजूरी दे दी थी, जिसके 9 महीने बाद सरकार ने रेलवे बोर्ड मेंबर्स के डेजिग्नेशन बदल दिया है। अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीओ कहलाएंगे और इस फैसले के बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव सीओ के पद संभालने वाले पहले व्यक्ति होंगे। तो गाइस हमारा राइट आंसर है फर्स्ट, पहले।
प्रश्न नंबर 8 देखिए गाइज, निम्न में से ई कॉमर्स कंपनी ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो गाइज हमारा राइट आंसर है सेकंड, फ्लिपकार्ट ग्रुप। गाइज फ्लिपकार्ट ग्रुप के डिजिटल B2 में मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट होलसेल ने हाल ही में देश के MSMI यानी लोकल मैन्युफैक्चर को खुदरा विक्रेताओं के साथ जोड़ने के उद्देश्य से डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म पर अभी गुरुग्राम, दिल्ली, बेंगलुरु में फैशन रिटेल्स विशेष रूप से फुटवेयर और परिधान के लिए उपलब्ध हैं। तो गाइस में हमारा राइट आंसर है सेकंड, फ्लिपकार्ट ग्रुप। प्रश्न नंबर 9 देखिए गाइज, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा बल्लेबाज WT20 इंटरनेशनल में हाफ सेंचुरी जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज या क्रिकेटर बन गया है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकंड, हैदर अली। प्रश्न नंबर 10 देखिए गाइज, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस बायोमेडिका कंपनी के साथ समझौते का विस्तार किया है। तो गाइज हमारा राइट आंसर है सेकंड, ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका। दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए सेल थेरेपी फर्म ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका के साथ समझौते का विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य वैक्सीन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। इस वैक्सीन के लिए अमेरिका से फास्ट ट्रैक अनुमति मिलने की उम्मीद भी है। तो गाइज इसमें हमारा राइट आंसर है सेकेंड, ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका। अगर गाइज आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाना, जिससे कि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप रह सको मेरे से कनेक्ट। फिर मिलता हूँ लेटेस्ट प्रश्नों के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।